आज हम बनाने जा रहे हैं दही भल्ला चाट। तो हम दही भल्ला बनाने के लिए हमने लिया है 1.5 कटोरी दाल, सोडा 5 चम्मच से कम, नमक 1 चम्मच, मिर्च 5 चम्मच से कम, हींग 1/2 चम्मच से कम और गरम मसाला 1/2 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच। चलिए स्टार्ट करते हैं दही भल्ला बनाना। 1.5 कटोरी दाल ली है हमने, जो रात भर के लिए जो है हमने भिगो के रख दी थी, और इस दाल को हमने धो के अब साफ़ कर लिया है, और इस दाल को हम जो है पीसेंगे। ले लिया है इसमें हम जो रात भर हमने दाल भिगोई थी उसको डाल देंगे। और इसको जो है हम दाल को जो है आप पीस लेंगे। ये दाल को हमने जो है बारीक पीस लिया है, ये देखिए हमने दाल को जो है बारीक पीस लिया है। दाल में डालेंगे 1 चम्मच नमक, एक चम्मच जीरा पाउडर, एक चुटकी सोडा, खाने का सोडा, एक चुटकी हींग, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच लाल मिर्च, सबको जो अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। पानी ऐड कर देंगे। इसको जो है अच्छे से हाथ से फेंट लेंगे। दस 15 मिनट के लिए हमें फेंटना है। थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे, तो जो है आधे घंटे के लिए जो है ढक के रख देंगे। जो है अब दही भल्ले बनाएंगे, तो हमने कढ़ाई में जो है तेल गरम कर लिया है, और हम जो है डालेंगे इसमें। तो देखिए ऐसे जो है भल्ले को बनाना है, और गैस का फ्लेम जो है लो ही रखना है। ऐसे ही हम बनाते जाएंगे। सारे भल्ले जो है हम ऐसे ही बना लेंगे।
इनको जो है अच्छे से फ्राई होने देंगे। जो हम पलट लेंगे जो है हमने पलट के देख लिया है और हमने जो गैस का फ्लेम जो है वो तेज कर दिया है, इनको तेज आंच पे पकने देंगे, फ्राई होने देंगे। अच्छे से फ्राई हो गया, इनको जो है निकाल लेंगे। फ्रेंड्स हमने जो सारे भल्लों को जो है फ्राई कर लिया है, ये देखिए, और हमारे भल्ले बनने के बाद कुछ ऐसे लग रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, और कितने सॉफ्ट बने हैं ये देखिए फ्रेंड्स। दही भल्लों को हमने जो है 20 मिनट के लिए पानी में, गर्म पानी में भिगो दिया है। हमें दही भल्ले को जो है गर्म पानी में भिगो दिया था, तो हम इनको जो है अब इनका पानी निकाल लेंगे और इनको जो है चाट में डालेंगे। ऐसे ही इनका सबका पानी निकाल लेंगे। जो हमने उबाल के काट लिए हैं दो पापड़ी रख देंगे। दो पापड़ी रख देंगे और इनके ऊपर, सबके ऊपर जो है दही है हमने जो पेट ली थी, दही डालेंगे ऊपर से। थोड़ी दही और डालेंगे। आपको जैसा ही पसंद है, कम तीखा खाते हैं आप या ज़्यादा खाते हैं उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं मिर्च, नमक, नमक अपने स्वाद अनुसार डालेंगे। जीरा पाउडर,
जीरा पाउडर, जीरा पाउडर डाल देंगे थोड़ा सा, थोड़ा गरम मसाला डालेंगे, लाल चटनी डाल देंगे, चाट मसाला डाल देंगे थोड़ा सा, गार्निश के लिए थोड़ा सा अनार डाल देंगे, जो है आप देखिए बनके तैयार हो गई है। देखिए फ्रेंड्स, अब बहुत ही कम समय में वो चाट बना के खा सकते हैं, बिल्कुल बाजार वाली चाट के अकॉर्डिंग बनती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे चैनल की रेसिपी अच्छी लगती है प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस रेसिपी को ट्राई करें और कमेंट्स करके बताएँ।